नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद कक्षा संख्या १०२ को आज पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था विदो लटो वाह ये पढ़ दिया था ठीक है अब इसके बाद आगे का जो सूत्र है वह पढ़ना आरंभ करते हैं ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः पदच्छेदः ब्रु एक पञ्चमीव्यक्तिः एकवचनान्तं पञ्चानां विभक्ति बहुवचनान्तम् आदिताः अव्यपदम् आहः प्रथमा व्यक्ति ही एक वचना भूवा व्यक्ति ही एक बहुत सारे पद हैं इसके अंदर ठीक है चलिएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है समाज कोई नहीं है इसमें लटो वा परस्मयी पदा नाम तुस अथा ये इत्यादि धातु इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ ब्रूई धातो रुत्तरो यो लट तस्यादि भूता परस्मै पद संयका पंचा तिवादीना थाने यथाक्रम पंच प्रणलादया आदेशा विकल्पेन भवन्ति तत् संयोगेन स्थाने आहा आह भवति ठीक है सरल अर्थ है अर्थ आपको बड़ा दिख रहा है पर है सरल कहते ब्रू धातु ब्रु, ब्रू ब्रू व्यक्तायाम बाची धातु है ठीक है तो ब्रू ब्रू धातु है उससे उत्तर जो लटलकार लट लटलकार ब्रू धातु से जब लटलकार लाएंगे तो उस लट लट है तस्या, उस लट लकार के तस्य आदि परस्मय पद संज्ञा एक ब्रू धातु से क्या होता है लटलकार होता है और वो आत्मनिपद भी हो सकता है और परस्मय पद भी हो सकता है ठीक है तो लटलकार में परस्मय पद के नौ प्रत्यय होते हैं और नौ ही होते हैं आत्मनिपद के तो आत्मनिपद के प्रत्यय तो सारे हट गए क्योंकि यहां पर कहा परस्मरी संजक ठीक है तो नौ प्रत्यय तो व्रुज धातु से लटलकार के जो पद संजक प्रत्यय है नौ था मिप वस मस ठीक है उन नौ प्रत्ययों में से कहते हैं आदि भूतानाम पंचानाम माने आदि भूत माने जो तो पहले के प्रथम पांच प्रथम पांच कौन से हो गए तस जी सिप थस प्रथम पुरुष के तीनों हो गए मध्यम पुरुष के एक वचन और द्वि वचन पांच हो गए बस चार बच गए उनको छोड़ दिया तो पांच तिवादी नाम तिवादी है। उनके स्थान में माने पांच ही अणलादया तो ऊपर परस्मय पदा नाम अणल अतुष आदेश कहे थे अणल अतुस ठीक है तो वो जो कहे थे पांच आदेश तो वही पांच आदेश क्रम से अणलादया आदेश विकल्पे नवंती विकल्प से हो जाते हैं तत्सनियोगे न और क्या है जब अणलादी आदेश होंगे ठीक है तो उनके संयोग माने उनके ही साथ साथ जब होंगे तभी तब, तब क्या हो जाएगा ब्रुवाह माने जो ब्रू धातु है उसके स्थान में आह आदेश भी हो जाएगा में आदेश होती आह आदेश हो जाता तो मैं ब्रू नहीं रहता ब्रू को आह हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रू धातु के लट परस लट लकार पद संयक में आदि के जो पांच रूप होंगे तिप थस जी, सिप थस था आ, सिप थस बस ये पांच ही तो इनके दो दो रूप बनेंगे और बाकी के जो चार बच गए मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष के तीनों उनका एक एक बनेगा ठीक है अब पांच में दो दो रूप कौन से बनेंगे देख लेते हैं ठीक है यहां देखिएगा आदेश का पहले बनेगा आह आहतुहु तो हो, आहुहु हो। आथ तो हो ये पांच हो गए आपके पक्ष पक्ष में तिवादी रहते हैं तो ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती आगे फिर जो रूप बनेगा ब्रूथा ब्रूवाह हैूमह वैसे चलेगा ठीक है ये पांच रूप दो प्रकार के बन जाते हैं कहीं है? पर आपको ऐसा रूप दिखे आह तो आप ये मत सोचना कि ये वहां का है लिटलकार का है लटलकार का है। थीके? आएगा। थीके? ये ठीक है आइएगा ठीक है यहां पर एक गुरु जी लिख दिया है कि पांच आदेश तिप तस जी सिप तस ये हैं, उनके स्थान में यथाक्रम करके क्या हो जाता है अणल मान तिप को अणल हो जाता है तस को अतुस हो जाता है जी को उस हो जाता है, सिप को थल हो जाता है और थ को अथुस हो जाता है ये आदेश विकल्प से हो जाते हैं ठीक है और उन आदेशों के साथ में ब्रु धातु को आह आदेश भी माना आने हकार हका हकारांत तो होता है ठीक है आ जाइएगा यहाँ पर गुरुजी ने इसकी सिद्धि दी है पीछे वही सिद्धि देख लेते हैं परिशिष्ट में देख लीजिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं पहले सबसे पहले ये गुरु जी ने दिखाया है हम यहां देखते हैं चलिए आपको यहां दिखाते देखिए ब्रबीति ये वो पक्ष बाद में उसमें उसके अनुसार देखते हैं आह आह बनाया है ठीक है यहां पर क्या है तिप के स्थान में अड़ल आदेश और आह आदेश होता है तो क्या बन जाता है देखिए ऐसे बनेगा इसमें ये ब्रू धातु है मैं बताया तो शॉर्टकट में ब्रू ब्रू है इसका और ये तिप आ गया स्थान में तिपा गया ठीक है अब इसी सूत्र से ब्रुवाह पंचात माहो आहो इत्यादि से इस तिप को क्या हो जाता है अणलादेश हो जाता है तो लो क्या हो जाता है अणलादेश और इस ब्रु साथ साथ को क्या हो जाता है आह आदेश अभी लिटलकार का तो यहाँ कर्तरी शब्द से शप भी आता ध्यान देंगे कर्तरी शब्द से यहाँ पर शप आएगा ये हलंत होता ध्यान रखें शप होगा और शप अदादीगढ़ के होने से आदि प्रतिभा शपा से शप का लुक हो जाता है ठीक है लुक हो गया तो आह और ये अनल का अ बच गया जोड़ दीजिएगा आह बन गया ठीक है ऐसे ही जोड़ते जाइएगा हर जगह सप पांचों में शप आएगा ठीक है और ये आदेश हो जाएंगे तो जब तस को अतुस हो जाएगा तो आहतु हो और उस हो जाएगा तो आहु हो और आहत हो ये बन गया आह आह तुह आहु और एक बनेगा आत्थ ये तो ये आत्थ बनेगा नीचे दिखाया है बनेगा यहाँ पर क्या है सिप का है ठीक है सिप वाले में थोड़ा सा का विशेष कार्य होता है क्या होता है सिप के स्थान में थल आदेश हो जाएगा ऐसी सूत्र से ब्रू के स्थान में आह आदेश हो गया अब यहां पर क्या है ऐसा हो जाएगा शप आएगा शप का लुक हो तो जाएगा ठीक है आह और ये शप था शप का लुक हो गया और ये थल का था, था बच गया ठीक है जी? तो पर एक सूत्र है आहस्था। आहस्था में अध्याय के दूसरे पाद का पैंतीसवां सूत्र है तो आहस्था कहता है कि आह धातु के हकार को थकार आदेश होता है ठीक है आह धातु के हकार को थकार आदेश हो जाता है तो यहां पर आहस्था से क्या हुआ आह के हकार को था हो गया ठीक है इसका पूरा अर्थ आपको पढ़ना है तो आपको यह प्रथमावृत्ति के तीसरे अध्याय अब वो तीसरे भाग में देख लीजिएगा ये पढ़ के बता देता हूं आठ दो पैंतीस आहो हकार थकारादेशो भवती झली परता झल के परे रहते तो झल पर यहाँ पर था तो क्या हो गया इसको ये हको था था आदेश हो गया हको था और फिर आगे खरीचा से उसको थको था, था, था हो गया तो क्या बने गया आ है और वे थस को अथुस हो जाएगा तो आथु बन जाएगा ये तो आदेश पक्ष के हो गए अब जिस पक्ष में नहीं बनता है जी ठीक है जिस पक्ष में आदेश नहीं होता है तो उसमें सामान यही रहेगा ब्रबीती है ब्रू लट हो जाएगा और ब्रू शप तिप ये सारी प्रक्रिया वैसी रहेगी और ये शप का लुक हो गया की है ब्रू ती रह गया अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है ठीक है ब्रू और या तिप को क्या होता है ब्रूवा ईट ये होता है ब्रूवा ईट यहां पर क्या है ब्रु है माने ब्रुव को ब्रुव धातु से उत्तर सार धातुक प्रत्यय है क्या हो जाता है ईट आगम हो जाता है ईट आगम हो जाता है तो यहाँ पर क्या तिप को ईट आगम आदि तो आदि में हो गया तो ब्रु इट इट कट्टा चला जाएगा ईट का इट ईट तो ये हो गया फिर यहाँ पर यहां इसको मान के इसको गुण हो जाएगा क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा कार तो कार तो का से गुण हो गया तो ब्रो हो गया और फिर एचओ एवाबा से इसको अब आदेश हो गया तो ब्रवीति ऐसा बन गया ठीक है ब्रवीति बन गया और जब क्या इसको तस होगा द्विवचन में तब ब्रूता बन जाएगा सरला इसमें शब्द और गुण आदि कुछ भी नहीं होगा ठीक है ब्रूता और यहां पर ये यह दिखाया ऐसे ही ब्रबीशी और ब्रबीमी यहां पर ये यह जो मने पिप, सिप, मिप, जो जो उन तीनों में आगम होता है और ये सारे जो काम हुए वो भी हो जाएगा। आदेश से शा, तो यहाँ पर क्या है ये तस है तो गुण नहीं होगा ठीक है तस के गित होने से सारधात कार कयो से गुण जो तो प्राप्त था वो नहीं हुआ से प्रतिषेध हो गया ऐसे ही यहां पर क्या करना है आपको ब्रुवंती अब्रुवंती आ जाएगा तो ब्रुवंती में यहां पर ये जिसी में हमने देखा परिशिष्ट में देख लेते हैं यहां पर दिखाया है ब्रुवंती में क्या स्थिति रह जाएगी हमारी ऐसे ब्रू और ये झी को अंति हो गया सारा अंत हो गया अंति ठीक है अब यहाँ पर गुण का गुण प्राप्त उसका निषेध हो जाएगा अब यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता क्या अचीष्णु धातु से उंग आदेश हो जाएगा उंग हो, हो जाएगा गिच्चा और अंतिम को उंग का वो बचेगा भ्रुवंती तो ये बन जाएगा भ्रुवंती ऐसे ठीक ब्रबीशी बन गया और फिर ब्रूथ ब्रूथ और में बन गया था आपका और आगे ऐसे ब्रू वाह ब्रू मह कुछ भी विशेष नहीं है उसमें ठीक है गुण नहीं होगा ब्रू वाह और वस है वस के सकार को रुत्व सर्ग होकर ऐसे मस् के सकार को रुत्व सर्ग होकर के ब्रू वाह ब्रू मह बन जाएगा ठीक है तो ये सिद्धियां है कुछ विशेष नहीं है फिर भी आप इनका एक बार अभ्यास कर लीजिएगा ठीक है ब्रबीती ब्रूता ब्रुवंती ब्रवीसी ब्रूता हमें वैसे पांच का ही बनाना आगे बनाना भी नहीं है ठीक है चलिए ये हो गया लोटोल लोटा ष्ठी व्यक्ति लंगवत अव्यपद लांगा इवा लंग इति वत् प्रत्यय ये लंगवत में दिखा रहे हैं ये वत प्रत्यय किया है किससे लांगा इवा लंगवत माने लंग के समान लंग लकार के तुल्य ऐसा अर्थ कहना चाह रहे हैं तो षष्ठ्यंता ष्यंत तो से तत्र तस्व से पांचवे अध्याय के प्रत्यय हुआ है तो ये प्रत्यय होता है ठीक है कई बार पहले भी आया है फिर भी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए फिर पांचवे अध्याय में ही समझ में आएगा पूरा पूरा तो अर्थ लोटलकार से लंगवत कार्य अतिदेश सूत्र कहते हैं लोट लकार है उसको लंग भत्त माने लंग के का जो लंग के कार्य होते हैं वही कार्य लोट को भी हो जाते हैं वैसे इसका यह अर्थ है लंग वत कार्य भवत्या लंग लकार के जो कार्य हैं कुछ वो लोट को भी हो जाते हैं लोट लकार को ठीक है कैसा सूत्र है ये अतिदेश सूत्र में दम ये अतिदेश सूत्र है कौन सा ये कार्या है. है, है जो लंग लकार को कार्य प्राप्त है वो लोट लकार में भी प्राप्त कराए जा रहे हैं ठीक है तो ये अपदेश सूत्र माने देश सूत्रम कार्य के लिए अधदेश मान तुल्यता दिखाई जा रही है कार्य करने के लिए तो उदाहरण दिखाया गुरु ने पचतम पचतम पचता पचाव पचाम यहाँ पर लोट लकार में इन रूपों में कुछ लंग के कार्य करने पड़ते हैं जैसे यहां हिंदी पढ़ लीजिएगा या अतदेश सूत्र है लोट लकार को लंग के समान कार्य हो जाते हैं लंगवता अतदेश होने से गित लकारों को कहे हुए ठीक है गित लकार माने गित लकार तो और भी हैं लंग भी है लिंग भी है लुंग भी है, है? लिंग भी है तो उनमें सब में से एक लंग ले लिया सभी तो नहीं ले सकते तो लंग नंबर में में, आ, ल, 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 आ, आक, में पहला आता है ठीक है तो लंग के तो जो गित का गित को मान करके मैंने गित लकारों में कुछ कार्य कहे गए वो कार्य लट लोट लोट माने लोट तो टिक है तो लोट लकार में भी हो जाए कौन सा कारक है तस्थस्तमिपाम ताम तम ताम से क्या है ताम तम ता आम आदेश लोट को भी हो जाते हैं ये क्या है गित लकार को कहे गए हैं इस सूत्र से तो अब लोट में भी हो जाएंगे ये ठीक है सो लोट को तस लोट के तस को ताम हो जाता है तो पचताम लोट के थस को तम हो जाता है होकर पचतम तथा था को ता होकर के पचाता इसी प्रकार से लंगवत अतिदेश होने से क्या है पचावा पचाम लोट लकार का है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाता है नित्यम हो नित्यम गीता से क्या होता है गित लकारों के वस और मस का सकार का नित्य ही लोप हो जाता है तो पचावा पचाम यहाँ सकार का लोप हो गया विसर्ग नहीं दिख रहा आपको ठीक है ये हो गया आपको और देखिएगा अभी सिद्धि में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा अभी समझ लीजिएगा और आडुतम से के आठ आगम होकर के पच आ आठ ये भी बताऊंगा मैं ठीक है आप देखिएगा पहले इन सूत्रों को देख लीजिएगा ये क्या कहता है ये क्या कहता है सूत्र मैंने आपको आगे पढ़े नहीं है आगे आने वाले हैं ये देखिए नित्यम गीता नित्यम गीता कहता है गीतलकार संबंधि उत्तम पुरुषस्य सकारस्य नित्यम लोपो बहुत माने गित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष के वस और मस ही होते हैं ठीक है और को तो कुछ दूसरा आदेश हो जाता है तो उनका नित्य उत्तम पुरुष के कुछ तो होता ही नहीं है बस उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुष के दो ही मिलते हैं वस और मस तो उनके सकार को का नित्य ही लोप कर देना चाहिए तो गित लकार को कहकर कार्य किया गया तो यही कार्य लोट लकार में भी हो जाता है लोट लकार में भी उत्तम पुरुष के जो द्विवचन के वस और मस उनके सकार का लोक हो जाता है ठीक है और एक कार्य और था ये तस्थस्त मिपाम ताम तम तामा इसका अर्थ है नित लकार संबंधीना तस्थ स्थ मिप इतम स्थाने यथा संख्यम तम 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 आदेशा आदेश ठीक है कहते हैं गित लकार, गित लकार, जो गित लकार लंग, लंग आदि लंग, लिंग, जो लिंग, गित लकार है उनके जो लटके स्थान में थ आता है थसा लट मने लकार के स्थान में लट नहीं लकार के स्थान में लटके कहने से गलत हो जाएगा लकार जो लंग आदि के स्थान में जो ये आते हैं तस थस, था, मिप ये आदेश होते हैं। इनके स्थान पर यथास क्या आदेश हो जाते हैं ताम तम ताम ता, मान तस को ताम तस, थस को तम और थ को ता और मिप को अम ये आदेश आदेशा भवंती आदेश हो जाते हैं अब ये ठीक लोट लगा को भी हो जाएंगे उस सूत्र से लोटो लंगवत है बस ठीक है अब इसकी शॉर्टकट में आपको सिद्धि बता देते हैं आ जाइएगा ये है हमारी पचताम ठीक है पच्चताम में क्या करना है आपको ये पच धातु है आपकी और ये आपका लोट लकार आ गया लोट लकार तो जो लोट लकार कहाँ का होता है ठीक है मंत्र, मंत्रा मंत्राधिष्ट आदि में भी लो, लोट लोट चा आदि जो होते हैं ठीक है थीके? तो लोट लकार आ गया ये ठीक है लोट और ये हो गया बच गया अब यहाँ पर कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा शप का बचेगा ठीक है अब इस ये सबसे पहले क्या करना है हमें जो कार्य करना है सूत्र का वो क्या है पर? ये तस को करना है तो तस लाएंगे द्विवचन का द्विवचन के तिवादी उत्पत्ति करके यहाँ पर क्या आ गया तस आ गया अब इस तस ये लोट लगा रहे तो तस अब तस को क्या कर दिया इस लोटो लंगवत से गितवत करके पाम तान तम तामा से क्या हो गया ताम आदेश हो गया ताम हो गया तो क्या बन गया पा चा और ताम पच ताम बन गया आपका ठीक है अब तस के स्थान में आप क्या ले आएंगे तस, तस के स्थान के बाद में आप ले आएंगे ये थस ले आएंगे तो थस को क्या हो जाएगा तम हो जाएगा तो पच्च तम बन जाएगा वहां पर लोट में ठीक है और बहुवचन में ले आएंगे था था को इसी सूत्र से क्या हो जाएगा इसके सहयोग से तादेश हो जाएगा ठीक है तो ऐसा बन जाएगा और फिर यहाँ पर ले आएंगे मिप क्या ले आएंगे मिप ले आएंगे सारा कुछ करके मिप मिप का मी और इस सूत्र से सहयोग से क्या हो जाएगा मिप को इसी सूत्र से तस्थ से अम हो जाएगा क्या हो, जाएगा? हो गया इसको अम हो गया अब एक शप का आ और एक ये आया तो अमी पूर्वा ये अम है तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा मैंने ये आ और ये आ दोनों मिल जाएंगे तो पच्चा आ नहीं नहीं यहाँ पर ये नहीं करना ये ये गलत हो गया यहाँ पर मेरे से भूल हो गई क्या ये इसमें नहीं होगा क्या ये पा जा और ये शप और मिप ऐसा मैं बता रहा था आपको क्षमा कीजिए ये मिप को नहीं होगा ये अम नहीं होगा क्यों क्योंकि लोट लकार में मिप के स्थान में नी होता है विशेष सूत्र है उसके लिए एक सूत्र अलग से बनाया मेर नि क्या है ये सूत्र मैं दिखा देता हूं आपको इसलिए नहीं होगा ये सूत्र है मेरनी आगे आएगा है, नवासीमा ठीक है ये लोट लकार के मिप का जो मी है उसको क्या हो जाता है नी आदेश हो जाता है तो नी आदेश लोट लकार के लिए विशेष कहा है तो यहां पर लोटो लंगवत लगेगा ही नहीं कि लोटो लंगवत का भी अपवाद है नी कर रहा है नी को फिर नहीं कर सकते मिप हम नहीं करेंगे अब ठीक है ये विशेष सूत्र है इसलिए तो लोट लकार में तो ये लगता है उत्तम पुरुष के एक में ठीक है इसलिए इसका उदाहरण बनेगा कौन सा बनेगा अब अब आपका बनेगा इसमें ये हो गया पचाव पचाम ये हो गया ठीक है तो यहां पर क्या है ये पचा पा, पा और का आ और बस आ जाएगा ठीक है और ये पा, तो अब यहां पर क्या लगता है एक तो ये है, यहां पर आडुतमस्य पिच उत्तम पुरुष के नोट लकार को आठ आगम होता है क्या होता है आठ आगम होता है तो ये लिखा हुआ पच और और ये वस, वस का ऐसा वस ठीक है और ये आडुत्तम पिच से आठ आगम होता है और वो पित्त होता है क्या होता है पित और इससे लोटो लंबत होने से क्या है ये नित्यम गीता से माने गीत लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष का सकार है उसका लोप हो जाता है तो लोट लकार में भी हो गया ये हो गया लोप हो गया ठीक है अब ये संज्ञा है अब आ आ आकाश अवर्ण दीर्घा लग करके पचावा पचाम ऐसा बन गया ठीक है उत्तम पुरुष के लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में इस सूत्र से मिप के स्थान में जो अम आदेश प्राप्त था वो नहीं होता है क्योंकि लोट लकार में मिप के स्थान में नी का विधान किया गया मेर नी है ठीक है इसलिए चलिएगा ये हो गया आपका तो पच्चाताम पाचातम पचाता पचाव पचा बस इतने ही माने इतने ही रूपों में माने प्रथम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में ही इसका प्रयोजन है ठीक है चलिए ये हो गया। आडुत्तम अर्थ देख लीजिएगा चलते चलते लोट संबंधी ना उत्तम पुरुष सेडागमोवती सचोत्तम पुरुष पित भवती लोट संबंधी उत्तम पुरुष का क्या हो जाता है को आठ आगम हो जाता है और वो उत्तम पुरुष क्या हो जाता है जो पित्त हो जाता है जो प्रत्यय होता है वो कैसा है जैसे वस मस में तो पित है ही परंतु वस मस भी पित हो जाते हैं पित हो जाने से क्या है कोई गुण वृद्ध गुण आदि प्राप्त तो वो हो जाते हैं ठीक है ठीके? जैसे करवाणी करवाबाई उदाहरण दिए ये तो आगे ही पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पर आवश्यकता नहीं तो वहां पर हो गया चलिएगा ए रोहो ए ष्टी व्यक्ति एक वजना प्रथमा व्यक्ति एक अर्थ अनुवृत्ति इसमें आ रही है लोटा के। अर्था। देशा लोट के अर्थ नाम इकार से स्थाने उकारादेशती है लोट के स्थान में जो प्रत्यय है यदि उन प्रत्यय में कोई इकार मिलता है जैसे तिप है तिप में ई है होता है ति ऐसे झी है झी में ई सिप सिप में ई और मिप मिप बेई चार प्रत्ययों में अः चार प्रत्ययों में ई ई दिख रहा है ठीक है और तो ये कहते हैं कि लोट के स्थान में यदि जो तिवादी आदेश हुए उनमें यदि इकार कहीं दिख रहा है तो उसको क्या हो जाता है ऊ आकार हो जाता है ई को ऊ हो जाता है तो उदाहरण दिखाया पचतु पचंतु ये दिखाया तिप का और झी का और सिप और मिप बच गए तो कहते हैं सिप के इकार को और मिप के इकार को आदेश नहीं होता क्यों नहीं होता जी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको सिप को महर्षि पाणिनि ने एक अलग आदेश किया है सिप को लोट लकार में ही आदेश किया है के हिरिय पिच आगे पढ़ेंगे और ऐसे ही मिप को लोट लकार में नी आदेश का है तो नी करने नी का ई ये यहां पर नी का जो ई है वो उसको अब ऊ नहीं होगा क्योंकि अलग से सूत्र बनाया है यदि इसको इस नी के बाद भी उसको ये लग जाए ऊ हो जाए तो फिर ये गलत हो जाएगा नी पढ़ना फिर तो नू ही पढ़ देते महर्षि पाणनी मेरनु ऐसा पढ़ देते नहीं पढ़ा मेरनी पढ़ा इसका मतलब है ई ही रहता है ठीक है तो इसलिए केवल दो में ही लगता है पचतु पचंतु सरल है इसमें ठीक है इप मत्ती और अंति और जी लोड आदेश है तो इनके ई को वो हो गया ठीक है सिप तथा मिप के एकार को उकार नहीं होता है क्योंकि इन्हें ही और नी कहा है ये सेरी पिच्चे आगे सूत्र आ रहा है ये ये सेरी पिच्चे से क्या होता है लोट लकार में सिप को ही ही आदेश होता है अपित ठीक है इसलिए नहीं होगा सिद्धियों में इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे सामान्य जैसे पचदातु है या आपका और लोट लकार आ गया लोट का ये तिप आ गया ती बचा और करता ही शप शप का आ बच गया अब इससे क्या हो गया ऊ हो गया ई को पाचत्तू बन गया और ये अंति जो जो अंत करके पचंतु बन जाएगा ठीक है चलिए शेर हिपिचा एह ष्ठी व्यक्ति योजना ही लुप्त प्रथमांत निर्देश अपित प्रथमा व्यक्ति योजना च अव्यपदम तमास हा। नापित अपित नहीं ठीक है? जो पित नहीं है वो अपित हो गया जी नहीं तत्पुरुष हो गया अनुवृत्ति लोट अर्थ लोटादेशनेमादेश भवती स आदेश बिल्कुल सरल है लोट आदेश लोट लकार के स्थान में जो सिप आदेश है

उदाहरण दिए यहां पर लुनी ही पुनी राधुनु ही तक्षणु ही ठीक है आइएगा देख लेते हैं सिद्धिया गुरु जी ने दिखा दिए लुनी ही तुम काटो लू ही भूबादय भूवादातवा पूर्व सब सूत्रवादी उत्पत्ति के लगा करके लू सिपा गया क्रियादि गण किया वैक्षण स्न आ गया विकरण शकित संज्ञा हो गई अब यहाँ पर सी को क्या हो शेरी पिच से सी को ही आदेश तथा सिप के पित होने से स्थानीय से स्थानीव से जो ही को पित प्राप्त था उसको यहाँ अपित कर दिया क्या कर दिया अपित कर दिया और ही कर दिया ये ऐसा ठीक है और पुआदी नाम हृस्व ये पुआदी वन की धातु है इसलिए जो धातुओं को हृस्व हो गया हृस्व हो जाता है ठीक है सात तीन अस्सी है ये ये हो गया आपका तो लू ना ही ऐसा बन गया अब ही के अपित हो जाने से क्या सारो धातु से ये ही गितवत हो गया तो अब क्या लग जाएगा ई हल्य घोह ई हल्य घोह इसमें क्या हो गया शना के नकार का जो ना है उसका जो आ है उसको ई हो जाता है गित, गित। हलादी प्रत्यय के परे रहते हलादी है और ये से क्या हो। तो गया, तो करके लू नी ही ऐसा बन गया ठीक है आपको ये गया इन सभी के अर्थ अपनी अष्टा दबो अपनी प्रथम वृत्ति में देखते रहिएगा ठीक है कितनी बार एक्सप्लेन करूं उसी सारा समय उसी में चला जाता है फिर बस इतना ही मैं बताऊंगा इसमें स्ना के नाकार के आकार को ईकार हो गया है तो ही बन गया ये आपका इसी प्रकार से पूरी पवन से पुनी ही बन जाएगा ठीक है सारे सूत्र ही लगेंगे रातु स्वादिगण की है स्वादिगण की होने से स्वादिव्यारण हो जाएगा शे तथा शेष पूर्वत हो जाएगा सब कुछ उदाहरण तो है राधन ही ठीक है क्या बन जाएगा राधु ही रात धातु है इससे और ये शू का नु बच्ची आएगा और बाकी सारी प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी यहां पर ये नहीं लगेगा क्योंकि ये आकार को ही करता है है? आकार को करता है आकार है ही नहीं तो ऊ है शू का ऊ है उसको नहीं कुछ भी होगा ऐसे रहेगा ठीक है यहाँ गुण प्राप्त होता है तो किंगी जैसे निषेध हो जाएगा ही को मान करके गुण प्राप्त है तो वो अपित हो गया अपित तो होने जगित हो गया किंगति जैसे निषेध हो जाएगा है तो कारदात कोई ऐसे गुण प्राप्त है उनको तो वो निश्चित हो जाए तनु करण तक्ष तक्षुण ही बन गया है तनु करण तन धातु है ठीक है वो तक्ष धातु है तनु करण तक्ष नहीं एक तक्ष धातु है इसमें तनु करण तक्ष ये क्या हो जाता है शुणु विकरण होता है क्या होता है तनु करण तक्ष तनु में जो तक्ष धातु होती है उसको सार धातु कर्तवाचनी प्रत्यय पर रहते क्या हो जाता है शुनु होता है हुँ? तो ये हो गया शत तो, तो तक्ष और नु बीच में आएगा ही और यहां पर क्या हो जाएगा ये तक्ष तो रसाभ्याम नोणा समान पदे से क्या हो जाएगा नको अणा हो जाएगा तो तक्षण ही बन जाएगा होता ठीक है से चढ़ भी यहाँ पर हो जाएगा बाकी सरल है इतनी आपका सामर्थ हो गया है कि अब आप बना सकते हैं तो ये तो आपका ये हो गया ठीक है शहरी पिछ ठीक है तो ये हो गया ठीक है चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं सिद्धि एक बार अवश्य कर लीजिएगा ठीक है तो फिर आगे की कक्षा में आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे चलिए सर्वेभ्यो नमः